नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भैरम सागर में। प्रिय दर्शकों, एक मोर ने बताया आखिर कलयुग की स्त्रियां चरित्रहीन क्यों होती जा रही हैं। आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर है दोस्तों। आज की कथा में हम सभी जानेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है और उनके बीच दूरियां किन कारणों से आती हैं। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुण पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, तभी उनके पास आदिशक्ति माता पार्वती आती हैं और उन्हें प्रणाम करके बैठ जाती है। फिर वह भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया आप इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। तभी भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछो, मैं अवश्य ही तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर दूंगा और तुम्हारे व्याकुल मन को शांत करूंगा। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि एक पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है और उनके बीच दूरियां किन कारणों से आती हैं। तभी भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, क्योंकि आपके इस प्रश्न का उत्तर इस कथा में छिपा हुआ है। तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है और उनके बीच दूरियां किन कारणों से आती हैं। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, कृपया आप कथा को सुनाइए, मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगी। फिर भगवान भन शिव जी कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है उसके जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है। मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले मैं जगत कल्याणनी श्री राधा रानी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोता गण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण करना। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन काल में पुरुषोत्तम नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वह बहुत ही धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा था। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। राजा के दो पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था। वह बहुत सत्यवान और चरित्रवान थी। वह बचपन से ही भगवान की अनन्य भक्त थी। समय के साथ साथ वह बड़ी होती गई। फिर एक दिन राजा पुरुषोत्तम ने राजकुमारी सुकन्या का विवाह एक चरित्रवान और सुंदर राजकुमार के साथ कर दिया। दोनों ही जीवन का आनंद सुख वैभव के साथ ले रहे थे। उन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, बस उनके जीवन में कमी थी तो एक संतान की थी, जिसको लेकर राजकुमारी बहुत ही चिंतित रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन राजकुमारी सुकन्या की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। राजकुमार ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्य हकीमों को बुलाया, किंतु उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर वह राजकुमारी सुकन्या राजकुमार से बोली, हे प्रियवर, मैंने आपको बहुत प्रेम किया है, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, मैंने अपने जीवन में अपने आराध्य भगवान की पूजा भी की है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं आपकी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाई, वह है संतान को जन्म देने की इच्छा, मुझे इसके लिए माफ कर देना। हे प्रियवर, अब मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है, आप मेरी चिंता मत करें, करना मेरे ना रहने के बाद आप मेरी यादों में जीवन जीना, मैं आपको वचन देती हूं, अगले जन्म में मैं फिर से आपकी पत्नी बनूंगी, तब मैं आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। अपनी बात पूरी करते ही उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, समय आने पर एक दिन राजकुमार भी शरीर पूरा कर लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो गया, और कुछ दिनों बाद उस राजकुमार का पुनर्जन्म एक ऐसे राजा के यहां हुआ जिसकी 17 रानियां थीं और सब रानियों के बीच में वह अकेला ही पुत्र था। उधर वह राजकुमारी भी एक ऐसे राजा के यहां जन्म लेती है, उसकी भी 17 रानियां थीं और सभी रानियों के बीच में केवल एक ही पुत्री थी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, जिस राजा का पुत्र था उस राजा का नाम वीरदत्त था।
उसके पास में एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह वह मानता भी था। बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए वह राजा तोता की सलाह लेता था। एक दिन राजा ने उस तोते को अपने पास बुलाया और तोते से कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं जो तुम्हें पूरी करनी है। तो तोता ने कहा, कहिए महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तो राजा वीरदत्त ने कहा, हे तोते, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए एक चरित्रवान और सुंदर राजकुमारी चाहता हूं। तुम्हें ढूंढ करके ऐसी ही राजकुमारी लानी है। इस प्रकार से राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी। मित्रों, राजा की यह बात सुनकर वह तोता राजा की इस बात से सहमत हो गया और फिर उस तोते ने राजा से कहा, हे महाराज, आप जैसी भी राजकुमारी अपने पुत्र के लिए चाहते हैं, आप वह सब एक पर्ची में लिखकर और राजकुमार की तस्वीर छापक मेरे गले में लटका दीजिए। फिर आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ देना। मैं वैसी ही राजकुमारी खोजकर आपके पुत्र के लिए लाऊंगा, जैसी बहू आप चाहते हैं। मित्रों, फिर तोते की बात मानकर राजा ने एक पर्ची पर अपनी पसंद की राजकुमारी के बारे में लिख दिया और उस पर्ची को तोते के गले में लटका दिया। फिर वह तोता राजा की आज्ञा लेकर एक सुंदर और चरित्रवान राजकुमारी की खोज में उड़ चला। उड़ते उड़ते वह तोता एक पड़ोसी राज्य में जा पहुंचा। तभी अचानक से घनघोर बारिश होने लगी और जोर जोर से आकाशीय बिजली चमकने लगी। मौसम खराब होने के कारण उस तोते को एक वृक्ष पर शरण लेनी पड़ी। मित्रों, जिस पेड़ पर तोता बैठा था वह बहुत ही पुराना था और अंदर से खोखला था। तोते ने सोचा, इस पेड़ के खोख के अंदर बैठकर मैं कुछ देर आराम कर लेता हूं, क्योंकि वह तोता काफी लंबा सफर तय करने के कारण बहुत थक चुका था। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, जैसे ही वह तोता उस पेड़ के खोख के अंदर जाने लगा, वैसे ही अंदर से एक भयानक आवाज आई, हे तोते, तुम इस खोख के अंदर नहीं घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। तोता ऐसी डरावनी बात सुनकर उस पेड़ के खोख के अंदर नहीं घुसा और पेड़ की डाल पर बैठ गया और बारिश बंद होने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद में उस खोख में से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। मैना को देखकर तोते को गुस्सा आ गया। फिर तोते ने उस मैना से कहा, हे मैना, तुमने ऐसा क्यों कहा कि इस खोख के अंदर आने पर तुम अंधे हो जाओगे? फिर उस मैना ने कहा, हे तोते, उस खोख में दो लोगों के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने डरावनी आवाज में तुमसे ऐसा बोला था। फिर वह दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे थे। फिर मैना ने तोता से पूछा, आप इस घनघोर बारिश में कहां जा रहे हैं? तो तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहां जा रहा है। फिर तोते की बात सुनकर वह मैना कहने लगी, आज की हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वह मैना तोते से आगे कहती है कि आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूं। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जो चरित्रवान हो और सर्वगुण संपन्न हो, उसी प्रकार मैं भी अपने राजा चक्रधर की बेटी यानी कि राजकुमारी के लिए ऐसे राजकुमार की तलाश में निकली हूं जिसके अंदर सारे गुण हो, वह धर्मवान, चरित्रवान और दिखने में सुंदर हो। मित्रों, फिर भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर वह तोता मैना से कहने लगा, हे मैना, अब तो हमारा और तुम्हारा काम आसान हो गया है। जैसा राजकुमार तुम्हारे राजा चक्रधर को चाहिए, वैसी ही राजकुमारी हमारे राजा को भी चाहिए। तो मैना कहने लगी, अब तो बात बन ही जाएगी। फिर उस तोते ने मैना को राजा वीरदत्त की सारी पसंद बताई और उधर मैना ने तोता को अपने राजा की सारी पसंद बताई। फिर वह तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए। अब तो तोता मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था कि आज तो महाराज का सपना पूरा हो जाएगा। वह जैसी राजकुमारी के बारे में अपने पुत्र के लिए सोच रहे थे, वैसी ही राजकुमारी उनके पुत्र के लिए आज मुझे मिल जाएगी। यह सब सोचते हुए वह तोता मैना के साथ चला जा रहा था। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल में तोता और मैना को एक साथ में राजा के एक दुष्ट नौकर ने देख लिया। वह नौकर उस मैना से बहुत नफरत करता था। वह भागकर राजा चक्रधर के पास गया और जाकर बताया कि महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा है
वह उस कार्य को पूरा न करके एक तोते के साथ घूम रही है। यह सब मैंने स्वयं देखा है। फिर उस दुष्ट नौकर ने कहा, महाराज वह मैना आपके साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात कर रही है, वह आपकी आज्ञा की अवहेलना कर रही है। जब राजा ने अपने नौकर से ऐसी बात सुनी तो वह क्रोध में आ गया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस तोता और मैना को पकड़कर उन्हें मृत्यु दंड दे दो। जिस समय राजा ने तोता और मैना को मारने की सजा सुनाई, उस समय मैना राज दरबार की छत के ऊपर बैठी थी। उसने यह बात सुन लिया। फिर मैना ने यह बात तोता से कहा कि हम दोनों की जान यहां पर खत्म है, जितना शीघ्र हो सके हम दोनों को यहां से कहीं दूर भाग जाना चाहिए और यहां से उड़कर किसी सुरक्षित स्थान के लिए जाना होगा, अन्यथा हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे। इससे पहले कि सैनिकों के तीर हमको मारे, चलो हम यहां से कहीं दूर भाग चले। फिर ऐसा सोचकर वह तोता और मैना वहां से उड़कर बहुत दूर एक सुरक्षित स्थान पर चले गए। इधर राजा के सैनिक जब उन्हें मारने गए तो वहां पर वह तोता और मैना दोनों उन्हें नहीं दिखाई दिए। फिर वे सैनिक उस तोता और मैना को खोजने लगे, किंतु उन्हें तोता और मैना कहीं नहीं दिखाई दिए। थक हार कर वे अपने आप को यह सांत्वना देते हुए वापस आ गए कि लगता है तोता मैना को राजा के आदेश का पता चल गया था, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। अब तोता और मैना ने कुछ दिनों तक इंतजार किया ताकि लोग उस बात को भूल जाएं। फिर उसके बाद वे दोनों वापस महल आए और राजा चक्रधर के सामने बैठ गए। फिर मैना ने राजा से पूछा कि हे महाराज, आप हमको क्यों मारना चाह रहे थे? मैं तो आपकी वफादार हूं, आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की है। हम तो इस तोते के साथ आपको एक खुशखबरी सुनाने आ रहे थे। हे महाराज, यह तोता राजा वीरदत्त का बहुत ही वफादार नौकर है। राजा वीरदत्त अपने सभी कार्यों में इस तोते की सलाह लेते हैं। फिर वह तोता अपने राजा की बात बताते हुए कहता है, हे राजन, मैं अपने महाराज की आज्ञा से उनके इकलौते पुत्र के लिए एक सुंदर और चरित्रवान राजकुमारी को खोजने के लिए निकला था। तभी मुझे आपकी वफादार नौकरानी मैना से मुलाकात हुई, जो आपकी आज्ञा अनुसार ऐसे ही राजकुमार की खोज कर रही थी। जब उसने आपकी पसंद के बारे में बताया तो मेरा आपसे मिलने का मन हुआ, इसलिए मैं आपके पास आ गया। फिर उस तोते ने कहा, हे राजन, हालांकि आप दोनों राजाओं ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, पर आप दोनों को अपने बच्चों से एक दूसरे के बच्चों की शादी करा देनी चाहिए, क्योंकि उस राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसी आपकी बेटी है, और आपको वैसा ही दामाद चाहिए जैसा राजा वीरदत्त का बेटा है। मित्रों, इस प्रकार से तोता और मैना ने अपने मन की बात राजा से कहकर राजा को खुश कर दिया, और फिर तोता ने राजा की तरफ अपने गले में लटकी हुई पर्ची दे दी, जिसमें राजा वीरदत्त ने अपने पुत्र राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी और उसकी तस्वीर छाप रखी थी। फिर राजा चधर ने वह पर्चा पढ़ा और राजकुमार की तस्वीर देखी तो बहुत ही खुश हुआ। पहले तो उसे उस तोते पर विश्वास नहीं हुआ, फिर तोते के साथ में पर्चा को देखा और राजकुमार की तस्वीर देखी तो राजा को तोता पर विश्वास हो गया। उसके बाद राजा ने वह तस्वीर अपने एक सैनिक के हाथों अपनी रानियों के पास में भिजवा दिया और कहा, यह तस्वीर देख करके बताइए कि यह राजकुमार कैसा है। फिर कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत ही पसंद आ गई थी। अब तो वह राजकुमारी उस राजकुमार की तस्वीर को हमेशा अपने हाथ में ही लिए रखती थी। फिर कुछ दिनों के बाद रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना रह नहीं पा रही है। जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कहकर के वापस भेज दिया कि वह अपने महाराज से जाकर कहे कि राजकुमार की मनपसंद लड़की उन्हें मिल गई है और वह राजकुमार के विवाह की तैयारी शुरू कर दे और एक माह के अंदर ही बारात लेकर हमारे राज्य में आ जाए। राजा चक्रधर की यह बात सुनकर तोता बहुत प्रसन्न हुआ। फिर तोते ने राजा को प्रणाम किया और आज्ञा लेकर अपने राज्य की ओर वापस उड़ चला। अपने राज्य में पहुंच करके तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ कि वह जैसी बहू चाहता था उसे वैसी ही राजकुमारी उसके बेटे के लिए मिल गई है। राजा ने यह खुशखबरी अपनी रानियों को सुनाई, वे सब भी यह खुशखबरी सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर राजा ने अपने मंत्रियों और सैनिकों को आदेश दिया
कि राजकुमार के विवाह की तैयारी शुरू की जाए। राजा का आदेश मिलते ही सभी मंत्री और सैनिक विवाह की तैयारी में लग गए। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजकुमार के लिए राजा ने सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए। उसके रथ को अनमोल हीरे मोतियों से सजवा या सभी सैनिकों के लिए नई पोशाक तैयार कराई और राजकुमारी को उपहार देने के लिए हीरे जवाहरात से भरकर थाल सजवा और बढ़िया किस्म के इत्र आदि इकट्ठा करवाए। विवाह की तैयारी करते हुए कब दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। विवाह की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। बारात को महल से निकलने के लिए 2 दिन शेष बचे थे। तभी राजा वीरदत्त के जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि एक ही पल में महल की सारी खुशियां दुख में बदल गईं। फिर माता पार्वती भगवान शिव जी से पूछती हैं, हे प्रभु, राजमहल में ऐसी क्या घटना घटित हुई जिससे कि सारे राजमहल में दुख उत्पन्न हो गया। माता पार्वती को बताते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, एक दिन राजा वीरदत्त घुड़सवारी कर रहे थे, तभी अचानक से उनका संतुलन बिगड़ गया और वे घोड़े पर से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने सारे राज परिवार को झकझोर के रख दिया। राजकुमार को अब अपना विवाह टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर शादी के लिए राजकुमार का जाना अपने पिता का अपमान करने के समान था। फिर जैसे ही राजकुमार के पिता की मौत का अफसोस का समय बीता, फिर राजकुमार तोते के साथ में राजकुमारी के राज्य की ओर बारात को लेकर चल देते हैं। कई दिनों का सफर तय करने के बाद राजकुमार बारात लेकर तोते के साथ राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डेरा डाल दिया। काफी लंबा सफर तय करने के कारण सभी बाराती थक चुके थे। मित्रों, अच्छा होता अगर राजकुमार उस बगीचे में अपना डेरा ना लगाता तो, क्योंकि उस बगीचे में उसके पिताजी का वफादार तोता मर गया। उस बगीचे के माली ने उस तोते को मार दिया, क्योंकि वह तोता एक आम के पेड़ पर बैठकर के आम को खा रहा था और राजकुमार की तरफ आम को तोड़ तोड़ कर फेंक रहा था। यह बात उस बगीचे के माली को पसंद नहीं आई और तोते पर क्रोधित होकर उसने तोते को मार दिया। तोते की मृत्यु से राजकुमार बहुत दुखी हुआ। थोड़ी देर बाद राजा चक्रधर का एक सैनिक उसका संदेश लेकर आता है और राजकुमार से कहता है कि हे राजकुमार, महाराज ने यह संदेश दिया है कि वह अपनी बेटी का विवाह आपसे नहीं करेंगे, क्योंकि आपने आने में देर कर दिया है। इसलिए महाराज ने अपनी पुत्री का विवाह किसी और राजकुमार के साथ तय कर दिया है। मित्रों, सैनिक के मुख से यह खबर सुनते ही मानो राजकुमार के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो। राजकुमार ने सैनिक की यह बात किसी से नहीं बताई। सैनिक यह संदेश राजकुमार को सुनाकर राजमहल वापस लौट गया। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, उधर राजमहल से राजकुमारी अपनी सखियों के साथ नगर घूमने के लिए बाहर आई तो संयोगवश वह उसी रास्ते से गुजरी जिस रास्ते पर वह बगीचा था। उसने बगीचे की ओर देखा तो उसे वह सुंदर राजकुमार दिखा। फिर राजकुमार उस राजकुमार को पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास में ही थी। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी सखियों के साथ राजमहल में लौट आई। वह बहुत खुश थी, क्योंकि राजकुमारी को अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय से उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा भोजन निकालकर राजकुमार की तस्वीर के साथ एक पर्ची देकर अपनी दासी के हाथों राजकुमार को भेज दिया और राजकुमारी ने अपनी दासी से कहा कि यदि राजकुमार भोजन ना करें तो उन्हें यह तस्वीर और पर्ची उन्हें दे देना। मित्रों, फिर आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस दासी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो दासी ने वह तस्वीर और पर्ची राजकुमार को दे दिया। तस्वीर देखकर राजकुमार समझ गया कि राजकुमारी उससे बहुत प्रेम करती है। ऐसा सोच करके उसने उस पर्ची पर कुछ शब्द राजकुमारी के लिए लिखे और उसे उस दासी को देकर वापस भेज दिया। जब वह दासी राजकुमारी के कक्ष में पहुंची तो राजकुमारी ने वह पर्ची में लिखी बातों को पढ़ा तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा जागरूक होने लगी। उसने आधी रात को स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक थैला लिया और उस बगीचे की तरफ चल दी जहां पर राजकुमार ठहरा हुआ था। वहां पहुंच गई। राजकुमारी को आधी रात में अपने पास देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर राजकुमारी ने कहा, हे राजकुमार, आप आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूं और इसीलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूं।
मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरे विवाह की इजाजत नहीं देंगे, इसलिए चलो अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, जहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर वह राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही एक घोड़ों पर सवार होकर के राज्य से बाहर चले गए और चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वह जिस नगर में पहुंचे उस जगह पर एक जादूगरनी रहती थी, उसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा, वह राजकुमार की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गई और मन ही मन में उस राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उससे शादी करने के लिए मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया। अब वह लड़की सोचने लगी कि इस राजकुमार के साथ वह कैसे विवाह करें। फिर उसने एक तरकीब सोची और अपनी जादूगरनी मां से कहकर राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाया। जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर पर खाना खाने के लिए गए तो उस जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अलग अलग कमरे में खाना खिलाया। उस जादूगरनी ने राजकुमार के खाने में कुछ मिला दिया। मित्रों, राजकुमार ने जैसे ही वह खाना खाया एक बैल के रूप में बदल गया और फिर पीछे वाले दरवाजे से जादूगरनी ने उस बैल को घर से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बांध दिया और उसके साथ में ही अपनी बेटी को भी भेज दिया। अब राजकुमारी खाना खाने के बाद में अपने राजकुमार को ढूंढने लगी, मगर वह तो बैल बन चुका था, वह उसे कैसे मिलता। इधर सारा दिन वह बैल जादूगरनी की बेटी के साथ साथ घूमता रहा। वह जादूगरनी की बेटी जहां भी जाती, बैल बना राजकुमार उसके पीछे पीछे जाता। जब वह जादूगरनी की बेटी रात को उसके गले में बांध हुई रस्सी को खोल देती तो वह फिर से सुंदर राजकुमार बन जाता था और बैल का रूप खत्म हो जाता था, और जैसे ही सुबह होती थी वैसे ही वह दोबारा से रस्सी उसके गले में बांध देती और वह फिर से बैल बन जाता। उधर राजकुमारी को राजकुमार से मिले हुए कई दिन हो गए थे। राजकुमारी पागलों की तरह अपने राजकुमार को इधर उधर ढूंढ रही थी। वह बहुत ही दुखी थी, उसको पता ही नहीं था कि अब वह करें तो क्या करें। वह राजकुमार को याद करके बहुत दुखी हो रही थी। वह सोच रही थी कि आखिरकार राजकुमार उसको छोड़कर कहां चला गया। अब तो उसके मन में शंका उत्पन्न होने लगी कि राजकुमार ने उसे धोखा दे दिया है, परंतु उसका मन नहीं मान रहा था। वह सोचती कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राजकुमार मुझे धोखा नहीं दे सकता है, वह मुझसे बहुत प्रेम करता है। उसके मन में बहुत से विचार उठने लगते हैं। फिर एक दिन वह एक लड़के का वेश बदल लेती है और उस नगर के राजा के दरबार में जा पहुंचती है। उस नगर का राजा बहुत ही न्यायप्रिय था, वह अपनी प्रजा की सभी समस्याओं का समाधान करता था। मित्रों, जब राजकुमारी अपनी समस्या राजा को बताई तो राजा उस राजकुमारी की शक्ल सूरत और बोलने के ढंग से बहुत ही प्रभावित हुआ। फिर राजा ने अपने दरबार में उस राजकुमारी को मंत्री के पद पर नियुक्त कर देते हैं। जब राजकुमारी मंत्री बन जाती है तो वह अपने कई सारे गुप्तचर नगर में नियुक्त कर देती है। वे गुप्तचर नगर की सारी खबर राजकुमारी को आकर बताते थे और वह राजकुमारी राजा को सारी बातें बताती थी। इस प्रकार राजकुमारी उस राज्य की मंत्री बनकर के राजा के यहां पर काम करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया, कई साल गुजर गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। उधर सभी नगरवासी उस मंत्री बनी राजकुमारी को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस मंत्री बनी राजकुमारी का व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। फिर एक दिन उसी नगर से एक व्यक्ति एक बैल को बेचने के लिए उस राजा रूपी राजकुमारी के पास आया तो राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति का बैल खरीद लेती हैं। वह बैल बहुत ही काम का था, वह किसी भी खोई हुई चीज को सूंघ करके बता देता था। फिर एक दिन अचानक वह बैल कहीं गुम हो गया। फिर तो राजा ने उस नगर में सूचना भिजवा दी कि इस नगर में जितने भी बैल हो सबको यहां पर लाया जाए। उधर यह सूचना उस जादूगरनी के पास भी पहुंची। अब नगर के सभी बैलों को राजा के सामने एकत्रित किया गया, मगर उस जादूगरनी ने अपना बैल, जो कि एक राजकुमार था, उस राजा के दरबार में नहीं भेजा। फिर जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को जादूगरनी के द्वारा अपना बैल ना भेजे जाने की बात बताई तो राजा रूपी राजकुमारी एकदम से क्रोधित हो गई और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस जादूगरनी से वह बैल लेकर आओ। राजा रूपी राजकुमारी का आदेश पाकर वह सैनिक उस जादूगरनी के घर जा पहुंचते हैं और बैल को दरबार में ले जाने के लिए उस जादूगरनी के हाथ से रस्सी को छीनने लगते हैं।
तभी वह रस्सी टूटकर बैल के गले से निकल जाती है। रस्सी के गर्दन से निकलते ही वह बैल जो था एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल गया। फिर वह सैनिक उस राजकुमार को अपने साथ लेकर राज दरबार में आ जाते हैं और राजा रूपी राजकुमारी से सारी घटना बताते हैं। फिर वह राजकुमारी राजकुमार को देखकर पहचान गई और उस राजकुमार के गले लग गई। फिर राजकुमारी ने सभी नगरवासियों को अपना सारा वृतांत सुनाया और कहा कि आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी समझो। उसके बाद राजकुमार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस जादूगरनी बुढ़िया को बंदी बनाकर कैद में डाल दो। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजकुमारी और राजकुमार के व्यवहार को देखकर उस राज्य के नगरवासियों ने उन्हें अपना राजा स्वीकार कर लिया। अब वह राजकुमार राजा बनता है और वह राजकुमारी रानी बनती है और फिर उस जादूगरनी की बेटी को राजकुमारी कैद खाने में डलवा देती है, क्योंकि जो जादूगरनी की बेटी थी उसने पूर्व जन्म में अपने पति को मिथ्या आरोप लगा करके एक राजा की कैद में डलवा दिया था, इसलिए उसे भी कर्मों का फल मिला और उस जादूगरनी की बेटी को भी राजा की कैद का सामना करना पड़ा। एक दिन की बात है, वह राजकुमार अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ अपनी मां से मिलने के लिए अपने राज्य को जाते हैं। जब वे अपने नगर में पहुंचते हैं तो रास्ते में उन्हें एक पुराना वट वृक्ष मिलता है, जिसके नीचे वे प्रतिदिन शाम को बैठकर बातें किया करते थे। राजकुमार और राजकुमारी की नजर जैसे ही उस वट वृक्ष पर पड़ती है तो वे दोनों एकदम से चौंक जाते हैं। उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटना याद आ जाती है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वह राजकुमारी राजकुमार से कहती है, हे प्रियवर, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं आपको बहुत प्रेम करती थी, आप भी मुझे बहुत प्रेम करते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी, परंतु मैं आपकी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाई थी। मैं आपकी संतान को जन्म देने से पहले ही इस संसार को छोड़कर चली गई थी। मृत्यु से पहले मैंने आपको वचन दिया था कि अगले जन्म में मैं फिर से आपकी पत्नी बनूंगी और आपकी इच्छा को पूरा करूंगी। इसीलिए हम दोनों फिर से एक होकर के मिले और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन्म में ईश्वर हमारी अवश्य सुनेगा और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। फिर समय धीरे धीरे व्यतीत होता है और राजकुमारी गर्भ धारण करती है और एक निर्धारित समय के पश्चात एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है और अपने पति को दिए हुए वचन को पूरा करती है। पुत्र प्राप्ति की खुशी में राजकुमार सारे नगर में उत्सव का आयोजन कर करता है और बहुत सा धन गरीबों और जरूरतमंदों में दान कर देता है। हे मित्रों, आगे भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, यदि स्त्री पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव मन में नहीं रखते हैं तो ऐसे दंपति का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। वहीं अगर स्त्री अपने पति को धोखा देती है, उसके साथ छल करती है, पराए पुरुषों के साथ संबंध रखती है तो ऐसी स्त्री के साथ हमेशा गलत होता है और वे जीवन भर दुखी रहती हैं। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। उन्हें एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए और जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं वे सात जन्मों तक पति पत्नी के रूप में मिलते हैं और उनकी पूर्व जन्म की बची हुई इच्छाओं को भी ईश्वर पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार राजकुमारी को अपने अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में मिला और उसकी शेष बची हुई इच्छा जो संतान की प्राप्ति की थी उसे अगले जन्म में पूर्ण हुई। आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस कथा से मनुष्य को यह सीख भी मिलती है कि भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता, क्योंकि जादूगरनी की बेटी का चरित्र ठीक नहीं था। वह अपनी जादुई शक्ति के बल पर राजकुमार को हासिल करना चाहती थी, जो कि राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। इसीलिए वह उस राजकुमार को हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि जो भाग्य में नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के भाग्य में था, इसलिए वह इतनी सारी मुश्किलों को झेलने के बाद भी उस राजकुमारी को मिल गया और उस जादूगरनी को और उसकी बेटी को जीवन भर कैद की सजा मिली। मित्रों, आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको इस कथा के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पाती, अब मैं आपको एक दूसरी कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि किस श्राप के कारण पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं। हे देवी, यह कहानी अत्यंत ही पौराणिक और सुंदर है, तो चलिए मित्रों,
कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है, जब त्रेता युग का आरंभ हुआ था, उस समय हस्तिनापुर में राजा दुष्यंत राज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में राजा दशरथ के घर में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यह दोनों घटनाएं एक ही समय की है, जिसका वर्णन रामायण और महाभारत में मिलता है। हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है, जब हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत शिकार के लिए अपने सैनिकों के साथ जंगल में गए थे। उस समय महाराज एक हिरण का पीछा कर रहे थे। हिरण का पीछा करते करते राजा दुष्यंत महर्षि कर्णाद के आश्रम के समीप पहुंच गए। उस समय महर्षि कर्णाद तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने राजा दुष्यंत की आहट सुनी तो वे अपनी तपस्या से जाग गए और उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि हे राजन, इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है। तब महर्षि कर्णाद की बात सुन राजा दुष्यंत ने शिकार न करने का निर्णय लेते हुए उन्हें वचन दिया और वहां से वापस अपने रथ की ओर जाने लगे। तभी निराश होकर राजा दुष्यंत को वापस जाता देख कर्णाद मुनि ने उन्हें आश्रम के आने के लिए कहा। कर्णाद मुनि का आदर करते हुए महाराज दुष्यंत उनकी बात को नहीं टाल सके और आश्रम के अंदर चले आए। तभी उनके समक्ष एक अति सुंदर और मन को मोहने वाली एक सुंदर युवा स्त्री आ गई, जिसका नाम माया था। जिसे देख महाराज दुष्यंत उस युवती पर अत्यंत मोहित हो गए। प्रत्येक अतिथि की तरह महाराज दुष्यंत का भी आदर करते हुए उस युवती ने उनका यथोचित स्वागत किया। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, माया ने महाराज दुष्यंत की पूरी निष्ठा और सेवा भाव से सत्कार किया था। माया की सेवा भाव से प्रसन्न होकर महाराज दुष्यंत ने उनसे पूछ लिया कि देवी, आप कौन हैं? तब वह कन्या बोली, महाराज, मेरा नाम माया है और मैं महर्षि कर्णाद की पुत्री हूं। माया की बात सुन महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर एकदम से बोल पड़े कि देवी, महर्षि तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? महाराज दुष्यंत की दुविधा को देख माया ने उन्हें अपने अभागी जीवन गाथा को और स्वयं के माता पिता की सत्यता से अवगत कराते हुए कहा, हे राजन, वास्तव में मैं राजर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूं। मेरे जन्म की बड़ी विचित्र कहानी है। जब विश्वामित्र जी घोर तपस्या कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने हेतु अप्सरा मेनका को धरती लोक पर भेज दिया था। तभी विश्वामित्र ने उनके साथ प्रेम संबंध स्थापित किया था, जिस कारण से मेरा जन्म हुआ, किंतु लोगों के भय के कारण ना ही मेरे पिता ने मुझे पाला और ना ही मेरे माता मेनका ने मुझे अपनाया। मेरी माता को भय था कि कहीं मुनि विश्वामित्र उन्हें श्राप देकर भस्म ना कर दे, इसीलिए उन्होंने मेरा परित्याग किया और मुझे वन में अकेला छोड़कर वे स्वर्ग में चली गई। तभी उसी वन में शकुंत पक्षियों ने मेरा रक्षण किया। फिर एक की बात है, महर्षि कर्णाद उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने मुझे पक्षियों के बीच में अकेला देखा तो उन्हें मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे गोद ले लिया। फिर माया ने कहा, हे राजन, धर्म के अनुसार जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला तथा अन्न देकर रक्षण करने वाला पिता के समान पूजनीय होता है। इसी कारण से मैं कर्णाद मुनि की पुत्री बन गई। माया के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत उसकी ओर आकर्षित हो गए। साथ ही वे उसकी सुंदरता पर तो पहले से ही मोहित थे और फिर राजा दुष्यंत ने उस कन्या के सामने विवाह का प्रस्ताव देते हुए कहा, हे देवी, आप एक क्षत्रिय कन्या हो, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें दे चुका हूं। यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। मित्रों, ऐसे प्रस्ताव को सुनकर पहले तो माया अचंभित हुई, परंतु मन ही मन में वह भी महाराज दुष्यंत को देखकर तथा उनके शौर्य की प्रशंसा सुनकर उन्हें पसंद करने लगी थी। फिर माया ने कहा, पहले मैं अपने पिताजी से पूछ लेती हूं कि क्या वह इस रिश्ते के लिए सहमत है। किंतु राजा दुष्यंत ने उस कन्या को यह कहकर मना कर दिया कि आप एक क्षत्रिय कन्या हैं और धर्म के अनुसार किसी भी क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार है। वैसे भी जब आपके पिता को पता चलेगा कि आपने मुझसे विवाह किया है तो वह क्रोधित नहीं होंगे। राजा दुष्यंत के इस प्रकार कहने पर माया विवाह के लिए मान गई और उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, कुछ समय महाराज दुष्यंत ने माया के साथ विहार करते हुए वन में ही समय व्यतीत किया। फिर एक दिन वे माया से बोले, हे प्रिय,
मेरे कंधों पर हस्तिनापुर राज्य की जिम्मेदारी है और अब मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने हेतु हस्तिनापुर जाना ही होगा। यह कहकर महाराज दुष्यंत ने माया को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी दिव्य स्वर्ण मुद्रिका दी और अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि जल्दी ही वह उसे अपने साथ हस्तिनापुर ले जाएंगे। मित्रों, उसके बाद समय बीतता गया और इसी बीच माया को पता चला कि वह गर्भवती है और शीघ्र ही उसके पिता अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके आश्रम में आते ही होंगे। जब महर्षि कणाद आश्रम में आए तो माया ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता से महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। यह सुनकर कणाद मुनि पहले तो प्रसन्न हुए, परंतु उसके बाद वह माया को धर्म का उपदेश देते हुए बोले, हे पुत्री, विवाह के पश्चात किसी भी कन्या को अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं होता है। एक विवाहित कन्या को विवाह के बाद अपने पिता के घर में नहीं रहना चाहिए, तथा उसका अपना घर पति का ही घर होता है। जो स्त्री पति के सुख में साथ रहती है वह पति और पिता का गौरव बढ़ाती है और हर परिस्थिति में एक स्त्री को अपने पति का साथ देना चाहिए। उसके बाद कणाद मुनि खुशी खुशी अपनी पुत्री माया की विदाई अपने चार शिष्यों और एक दासी के साथ हस्तिनापुर के लिए कर देते हैं। आश्रम से हस्तिनापुर के लिए आगे बढ़ते हुए मार्ग में एक शिष्य ने माया से एक सरोवर के पास रुककर विश्राम करने का निवेदन किया। चलते चलते माया भी थक चुकी थी, इसीलिए उसने सहमति दे दी और अपनी दासी के साथ विश्राम करने लगी। जब माया सरोवर में पानी पीने गई थी तब उन्हें पता भी नहीं चला और उनके हाथ से महाराज दुष्यंत के द्वारा प्रेम के रूप में दी हुई अंगूठी सरोवर में उनके हाथ से निकलकर गिर गई। वहीं दूसरी तरफ उस मुद्रिका को सरोवर की एक मछली ने निगल लिया। फिर अगले दिन जब माया हस्तिनापुर पहुंची और वहां के राज दरबार में गई, परंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से कर दिया। वह बार बार सभासदों के सामने कहती रही कि महाराज, मैं आपकी पत्नी माया हूं, लेकिन महाराज दुष्यंत ने यह कहते हुए पहचानने से मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, यह औरत कौन है। ऐसा कहकर अपने सैनिकों द्वारा उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। मित्रों, फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैं आपको विस्तार से बता दूं कि माया से विवाह के पश्चात जब महाराज दुष्यंत वापस हस्तिना लौट रहे तो वे महर्षि दुर्वासा के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। तभी राजन अपनी प्रिय पत्नी की सुंदरता और राज्य के विचारों में पूरी तरह से डूब चुके थे। जब उन्हें महर्षि दुर्वासा ने आवाज लगाई तो वे उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। इस तरह अनजाने में किए हुए अपराध से अराश दुर्वासा ने क्रोधित होकर राजा दुष्यंत को श्राप दे दिया और कहा, हे राजन, इस समय तुम अपने विचारों में खोए हुए एक मुनि की आज्ञा का पालन न करते हुए आगे चले गए, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भूल जाओ। महर्षि दुर्वासा के श्राप से महाराज दुष्यंत अत्यंत घबरा गए और आर्ष दुर्वासा के चरणों में नतमस्तक होकर माफी मांगने लगे। तब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हे राजन, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जब तुम कोई सूचक चिन्ह देखोगे तो उसे तुम पहचान जाओगे, अर्थात तुम्हारी यादें और शक्ति वापस आएगी। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, उधर हस्तिनापुर में महाराजा दुष्यंत माया के साथ हुए अन्याय को भूलकर अपना राजपाट संभालने में व्यस्त थे, परंतु एक दिन जिस मछली ने पानी पीते समय माया की अंगूठी को निगला था वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई और जब मछुआरे ने उसे कांटा तो उसे चमचमाती सोने की अंगूठी मिली। उस अंगूठी को देख मछुआरा बहुत खुश हुआ और वह उस दिव्य अंगूठी को बेचने के लिए राज्य के एक सुनार के पास पहुंच गया। जब सुनार ने मुद्रिका को देखा तो उसका ध्यान अंगूठी पर लिखे महाराज दुष्यंत के नाम पर पड़ा। यह अंगूठी महाराज ने स्वयं के लिए हजारों स्वर्ण मुद्राएं देकर बनवाई थी जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी और सुनार ने तुरंत उस मछुआरे को राज्य के सैनिकों के हवाले कर दिया। फिर सैनिक उस अंगूठी और मछुआरे को लेकर महाराजा दुष्यंत के समक्ष प्रस्तुत हुआ। पहले तो महाराज दुष्यंत उस अंगूठी को नहीं पहचान पाए, परंतु उस मुद्रिका को हाथ में लेते ही महाराज दुष्यंत को माया से जुड़ी सारी बातें याद आ गईं और उन्होंने मछुआरे से पूछा कि तुम्हें यह अंगूठी कहां मिली। तब उसने बताया कि महाराज, मुझे यह अंगूठी मछली के पेट से मिली। तब महाराज ने उसे मुक्त करने का आदेश दे दिया और कहा,
तुम्हें हमारी पत्नी को ढूंढने में मदद करनी होगी। वह मछुआरा सैनिकों के साथ कई वर्षों तक देवी माया को ढूंढता रहा, किंतु उसे कोई नहीं मिला। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन राजा दुष्यंत आखेट करके आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक छोटा बालक दिखा जो चार शेरों के बीच अकेला खेल रहा था, जिसे देख राजा दुष्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी और वे वहां पहुंच गए और बालक को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो माया की दासी पीछे से चिल्ला उठी और बोली, हे भद्र पुरुष, आप यह क्या कर रहे हैं? आप इस बालक को ना छुए, अन्यथा आप जलकर भस्म हो जाओगे। यह बालक दिव्य शक्तियों का झाता है। आपकी भलाई इसी में है कि आप इस बालक से दूर रहे, यही आपके लिए उचित है। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, क्योंकि बालक की भुजा में एक अत्यंत जहरीला सांप डोर बनकर बंधा हुआ था और जो भी बालक को छू लेता था उसी सांप के विष के कारण वह जलकर मर जाता था। लेकिन दासी की यह बातें सुनकर भी राजा दुष्यंत स्वयं को ना रोक सके और उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठा ही लिया। उसी समय सभी दासियां आश्चर्य से देख रही थीं कि भरत की हाथ की भुजा में बंधी सर्प डोर पृथ्वी पर गिर गई है। सभी को झांत था कि बालक को जब उसका पिता अपनी गोद में लेंगे तब वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। ये देखकर माया की दासियां बहुत प्रसन्न हुई और भागते हुए माया के पास गई और सारा वृत्तांत माया को सुनाया। यह सुनकर माया दौड़ते हुए महाराज दुष्यंत के पास आ गई। माया को देखते ही राजा दुष्यंत उसे पहचान लिए और उसे गले से लगाकर क्षमा मांगी। फिर माया और अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर लौट आए और माया को सारी प्रजा के सामने अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। महाराज दुष्यंत और माया की इस तेजस्वी पुत्र का नाम भरत था। बड़े होकर भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भवर्ष हो गया। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी परमपिता, ब्रह्मा जी ने स्त्री को पुरुषों के मुकाबले कई गुना अधिक सहन शक्ति दी है, जिसके चलते स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले कई गुना अधिक समझदार और भावुक होती हैं। वे सभी कष्टों को सहन कर लेती हैं। संसार की समस्त स्त्रियों को अपने पति का साथ देना चाहिए, उन्हें कभी धोखा नहीं देना चाहिए। यदि वह ऐसा करती है तो उन्हें जीवन भर दुख भोगना पड़ता है। यदि पुरुष अपनी पत्नी के साथ छल करता है तो उसे कठोर से कठोर सजा मिलती है। मित्रों, आशा करते हैं कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।